दोस्तों आज बात करेंगे ऐसी कुछ 8 मिस्टेक्स की जो अक्सर ज़्यादातर बिगनर या बहुत सारे एमेचर फोटोग्राफर्स जो है वो गलती करते हैं जब वो अपनी फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं। अब जो फ्लैश फोटोग्राफी है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फोटोग्राफी का। ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स हैं जब आउटडोर शूट करते हैं यानी कि नेचुरल लाइट्स में, तो वहाँ पर उनको उतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं जैसे ही वो फ्लैश का इस्तेमाल या स्टूडियो स्ट्रोब का इस्तेमाल या स्टूडियो फोटोग्राफी करने लगते हैं, वहाँ पर उनको एक प्रॉब्लम आती है। रिजल्ट्स जो है वो उन्हें उतने इम्प्रेसिव या कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट या एक प्रोफेशनल फिनिश के साथ में नहीं मिलते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर अपनी वर्कशॉप्स करते हैं, क्रैश कोर्स भी कराते हैं, तो ज़्यादातर मैंने यही पाया है कि कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें समझ लेंगे तो आपकी जो फ्लैश फोटोग्राफी है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और आपका ओवरऑल जो फोटोग्राफी का काम है वो भी बहुत ही एक प्रोफेशनल लेवल पे जल्दी से जल्दी चला जाएगा। तो आज समझते हैं उन 8 मिस्टेक्स को जो आपको नहीं करनी चाहिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मिस्टेक नंबर जो 1 है वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब फोटोग्राफी करते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ आज फ्लैश फोटोग्राफी की, तो जो बेसिक्स हैं यानी कि फंडामेंटल ऑफ लाइट्स है उसे समझने की कोशिश नहीं करते। अब देखिए, जो भी लाइटिंग है फोटोग्राफी के अंदर वो एक तरह से टोटल फोटोग्राफी को अगर हम देखें तो वो एक साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं वो कहेंगे कि भैया हम तो यहाँ पर आर्ट सीखना है बिकॉज वी लव टू डू फोटोग्राफी, तो ये साइंस वाइंस का जो फंडा है थोड़ा सा उनको स्कैरी लगता है पता नहीं क्या सीखना पड़ेगा, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट जब मैं साइंस वर्ल्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा मतलब है कि बेसिकली आपको जो फिजिक्स ऑफ लाइटिंग है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यानी कि जो फंडामेंटल्स होते हैं लाइटिंग के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब फंडामेंटल्स क्या होते हैं बेसिकली यहाँ पर आपको समझना है, जब भी हम फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं तो भैया इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, या हम कहेंगे हार्ड या सॉफ्ट लाइट क्या होती है, या डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कलर थ्योरी क्या होती है, या डिफ्यूजन जो है वो हम किस तरह से करते हैं लाइटिंग के अंदर, तो वो सारी चीज़ें अगर आप बेसिक समझ लेंगे यानी कि फंडामेंटल्स, तो बस यही एक साइंस है और वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, वो आ जाती है आपको प्रैक्टिस करने से। तो अगर ये कुछ चीज़ें आप समझ लोगे तो डेफिनेटली आपकी जो फ्लैश फोटोग्राफी है या स्टूडियो स्ट्रोब के साथ आप फोटोग्राफी करते हो या जो भी स्टूडियो लाइटिंग करते हो वो काफ़ी आसान हो जाएगी। अब इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, उनकी लिस्ट में नीचे लगा दूंगा, तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप वो वीडियो को क्लिक करिए, आप वो सारे वीडियोस देख लीजिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी उन वीडियोस को देख के ही ख़त्म हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 2। अब जो मिस्टेक नंबर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स हैं, स्पेशली जब बात आती है स्टूडियो फोटोग्राफी की, फ्लैश फोटोग्राफी की, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, यानी कि वो जब आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पर वो फ्रंट लाइट, बैक लाइट, गोल्डन लाइट वगैरह वगैरह सारे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, लेकिन जब वो वही चीज़ जब हम स्टूडियो में जाते हैं, अपने वही फोटोग्राफर जब स्टूडियो में जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको एक्सपेरिमेंट करने से डर लगता है, और जब वो अपनी फ्लैश फोटोग्राफी को देखता है तो ज़्यादातर पाता है कि यार मैंने आउटडोर में तो बहुत अच्छी पिक्चर्स ली हैं, बट जब मैं इंडोर में शूट करता हूँ तो मेरी लाइटिंग जो है वो बहुत ही ख़राब लग रही है, बहुत ही फ्लैट इमेजेस हैं, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो भी मैंने फ्लैश ख़रीदा है या जो मैंने अपनी लाइटिंग गियर में इन्वेस्ट किया है उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी जो फिनिश है, वो कहीं भी मेरी फ़ोटोज़ में नज़र आ रही है। अब इसका कारण ये होता है देखिए कि आप एक तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, अलग अलग तरह की लाइटिंग्स को सेट करके एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ज़्यादातर लोग मुझे अपने वीडियोस में कई बार पूछते हैं कि सर हमें एक फार्मूला बताइए, या आपने फलां पिक्चर को कैसे लिया है, उसकी कैमरा सेटिंग्स बताइए, उसकी लाइटिंग सेटिंग्स बताइए, कितने पावर पर आपने लाइट को रखा है, तो और कहाँ पर आपने उसको किस तरह से प्लेस किया है। तो अब मैं एक सरल भाषा में कहना चाहूँ तो ज़्यादातर जो भी मैं शॉट्स दिखा रहा हूँ अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर उसको एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कॉपी आप करिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ट्यूटोरियल्स आपके लिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब कैमरा सेटिंग्स आपके सिनेरियो में भी ठीक बैठे। कारण ये है कि वो तभी ठीक बैठेंगी जब एग्जैक्टली आप वही लाइट यूज़ करें जिस ब्रांड की लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, उतना ही डिस्टेंस रखें, सेम प्रोडक्ट यूज़ करें, सेम तरह की जो है आप लाइटिंग अरेंजमेंट यूज़ करें, सेम कैमरा सेटिंग्स यानी कि एक्सपोजर ट्रायंगल आप यूज़ करें, सेम आप जो है पावर जो मैंने रखी है अपनी लाइटिंग के अंदर उसे यूज़ करें, तब कहीं जाके आप एग्जैक्टली वो रिजल्ट्स पाएंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। आपका जो प्रोडक्ट है जिसको आप शूट कर रहे हो उसका फिजिकल टेक्सचर अलग होता है, या आप किसी मॉडल को शूट कर रहे हो तो उसका स्किन टेक्सचर अलग होता है, जिस जगह आप शूट कर रहे हो वहाँ पर उस जगह की भी अपनी एक अलग तरह का साइंस होती है, यानी कि अलग तरह की जगह होती है, अलग फील होता है वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एग्जैक्टली सेम नहीं होती हैं। मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ उसका मतलब ये है कि आपको इस तरह की
थ्योरी को या इस तरह के मेथड को फॉलो करना है, बट अगर आप एग्जैक्टली आप उस सारी चीज़ें कॉपी करेंगे तो कभी भी आप फोटोग्राफी अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि लाइटिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, और वो आपको तब समझ आएंगे जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे अपने फ्लैश के साथ, अपने स्टूडियो स्ट्रोब के साथ में, और आप अलग अलग तरह के लाइटिंग सेटअप्स आप लगाएंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि भैया लाइट किस तरह से बिहेव करती है और उस बिहेवियर के अंदर अल्टीमेटली आपको किस तरह का आउटपुट मिल रहा है। तो आपको फिर अगर आपके आउटपुट अच्छा नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा कि लाइट को फाइन ट्यून कैसा करना है, अलग अलग तरीके से आपको लाइट को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। कभी लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, कभी घटाना है, कभी लाइट की प्लेसमेंट को दूर रखना है, कभी पास रखना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके आपको लाइट पे मास्टरी होती है। तो ये चीज़ें कब आएंगी, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने फ्लैश और अपने स्टूडियो स्ट्रोब के साथ में। सो नेवर अफ्रेड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, नेवर अफ्रेड ऑफ डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन फोटोग्राफी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही लाइट के ऊपर आपका अच्छे से कमांड आएगा। मिस्टेक नंबर थ्री। अब जो मिस्टेक नंबर थ्री है ये भी कुछ अजीब और गरीब है, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर्स जब वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है ये तो एक पता नहीं क्या क्या गैजेट्स यूज़ कर रहा है, इसके हाथ में एक लाइट मीटर भी है। हालांकि मैं भी लाइट मीटर अपनी फोटोग्राफी में यूज़ करता हूँ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब इतने साल हो गए हैं फोटोग्राफी करते हुए तो हमको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि भैया लाइट किस तरह से बिहेव करती है। हालांकि मुझे भी रोज़ आप ही की तरह बहुत कुछ सीखना पड़ता है लाइटिंग के लिए, अभी भी मैं नहीं कह सकता कि मुझे मेरी लाइटिंग में मास्टरी है। तो मुझे अभी भी लगता है कि अभी सिर्फ जो है 10 में से हमें 2 ही नंबर मिले लाइटिंग में, अभी 8 नंबर और अचीव करने हैं। बट बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं जब वो इस तरह के ट्यूटोरियल्स देखते हैं या प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये लाइट मीटर को यूज़ करते हैं सही लाइटिंग के लिए। तो लाइट मीटर यूज़ करना बुरी बात नहीं है, आप एक तरह से लाइट को अच्छे से मीटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना अपर्चर रखना है, कितनी शटर स्पीड रखनी है और किस तरह से जो है सारा काम होगा, या कितना ISO आपको यूज़ करना पड़ेगा फला फला स्टूडियो सिचुएशन के अंदर जहाँ भी आप फ्लैश फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वो बुरा नहीं है। बट जो सही तरीका है एक मास्टरी करने का लाइटिंग के ऊपर, वो ये है कि आप लाइटिंग का जो बिहेवियर है, यानी कि यू शुड लर्न हाउ टू सी द लाइट, लाइट के बिहेवियर को आप सीखिए, लाइट किस तरह से जो है अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करती है। तो जितना आप लाइट के बिहेवियर को नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनके रिजल्ट्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस लाइटिंग किस सिचुएशन के अंदर आपको कितनी लाइट की ज़रूरत है और कितनी लाइट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर कितनी लाइट आपको डालनी है, कितनी लाइट नहीं डालनी है, कितनी लाइट को कट करना है या कितनी लाइट को इंक्लूड करना है अपने शॉट में, तो आप उसको आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि कई बार हम जो है हाई की लाइटिंग करते हैं या कई बार लो की लाइटिंग करते हैं, वहाँ पर मतलब यही होता है कि मुझे एग्जैक्टली कितनी लाइट की ज़रूरत है, किस तरह से मुझे अपने शॉट को क्रिएटिव बनाना है, तो मैं उतनी ही लाइट अपने सब्जेक्ट के ऊपर थ्रो करता हूँ और उसी हिसाब से अपने रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश करता हूँ। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा गैजेट्स के ऊपर, स्पेशली लाइट मीटर के ऊपर रिलाई नहीं करना है। यूज़ करना अच्छी बात है बट उसकी अगर आप हैबिट ही बना लेंगे तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा लाइटिंग के ऊपर मास्टरी करने का, स्पेशली जब बात आती है क्रिएटिव लाइटिंग की, एक क्रिएटिव शॉट्स की इन फोटोग्राफी, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना भी ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर फोर। अब मिस्टेक नंबर फोर बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर हमेशा करते हैं, ज़्यादातर करते हैं, हमें सबके लिए तो नहीं बोल रहा हूँ बट ज़्यादातर करते हैं, वो ये कि जब वो पहली बार अपनी कोई स्टूडियो स्ट्रोब स्टूडियो लाइट खरीदते हैं, पहला फ्लैश खरीदते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो फ्रंट से लाइटिंग करते हैं, यानी कि अगर किसी मॉडल को शूट कर रहे हैं तो उसके फ्रंट पे जो है लगा देते हैं लाइट को या अपने फ्लैश को और फिर कुछ पिक्चर्स लेते हैं और वो पिक्चर्स उनको बहुत ही फ्लैट नज़र आती है, बहुत ही जो है अनइम्प्रेसिव नज़र आती है, बहुत ही कहते हैं कि इसको बोरिंग या उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा नज़र आता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी लाइटिंग के बिहेवियर को, जैसे बताया, आपने नोट ही नहीं किया, आपने एक पोजीशन पे लाइट को रखा फ्रंट पे और वहां पे ही पिक्चर्स को शूट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि फ्रंट लाइटिंग ठीक है कुछ सिनेरियो में बहुत अच्छे से काम करती है, बट वहाँ पर आपको फ्रंट लाइटिंग किस तरह से करनी है, मॉडल को कैसे पोजीशन करना है वो सीखना होगा। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लाइट को थोड़ा सा साइड से देंगे, थोड़ा सा आप बैक से देंगे,
थोड़ा सा आप अपने लाइट की जो पोजीशन है उसको डिफरेंट एंगल से देंगे, तो वहाँ पर ना केवल आपको अच्छे हाइलाइट्स एंड शेडोज मिलते हैं अपनी फोटोज़ के अंदर, बल्कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो काफ़ी क्रिएटिव नज़र आती है। अब कल ही के वीडियो के अंदर मैंने एक ग्लास फोटोग्राफी पे वीडियो बनाया था, वाइन ग्लास को कैसे शूट करना है, वहाँ मैंने कम्प्लीटली बैक लाइटिंग को यूज़ करने की लाइट को कम्प्लीटली बैक से दिया है। अगर वो ऑडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे लगा दिया, आप ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर हमने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप लाइटिंग को अपना क्रिएटिव बना सकते हो एंड लाइट के बिहेवियर को जानकर आप लाइट को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा आप एक लाइट को सिर्फ ऐसा नहीं कि जहाँ सब्जेक्ट है उसके सामने लाइट लगे और शूट करना शुरू कर दिया, तो आपको लाइटिंग पे मास्टरी आने में सालों लग जाएंगे। बट आप उसी लाइट के साथ अगर उसकी पोजीशन को चेंज करके, उसके डिस्टेंस को चेंज करके, कभी पास कभी दूर, और कभी आप उसके एंगल्स को चेंज करके जब शूट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके वही सब्जेक्ट आपका बहुत ही बेहतरीन नजर आता है फोटोज के अंदर। मिस्टेक नंबर 5। अब मिस्टेक नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे जो लोग फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं या स्टूडियो फोटोग्राफी करते हैं, वहां पर उनको कई बार ये समझ नहीं आता कि जो शटर स्पीड है उसका क्या रोल होता है। अक्सर वो अपने शॉट को फ्रीज करने के लिए, यानी कि जब बात आती है एक्शन को फ्रीज करने की, तो वहाँ पर वो शटर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टूडियो फोटोग्राफी में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितनी कि आउटडोर फोटोग्राफी के अंदर। यहाँ पर आपको समझना है कि जो फ्लैश का ड्यूरेशन है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो फ्लैश का ड्यूरेशन है वो आपके मोशन को, यानी कि आपके एक्शन को आसानी से फ्रीज कर देता है। सो यहाँ शटर स्पीड का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मिस्टेक नंबर 6। अब मिस्टेक नंबर 6 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स करते हैं। अब कई बार वो पता नहीं क्यों, आप देखेंगे बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर लाइट को बहुत ही दूर प्लेस करते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। उन्हें कई बार फियर होता है कि यार टू मच लाइट से कहीं मेरा पिक्चर जो है वो ख़राब ना हो जाए, या अगर मैं लाइट को अपने सब्जेक्ट के क्लोज लेके जाऊंगा काफ़ी, तो वहाँ पर जो है अननेसेसरी बहुत सारी लाइट जो है क्रिएट होगी और मेरा जो सब्जेक्ट है वो ठीक से निकल के नहीं आएगा। यानी कि ओवरऑल समझें तो कई बार उन्हें ये फ़र्क पता नहीं चलता कि जो लाइट सोर्स है उसका साइज़ कितना बड़ा है, या जो भी आपने उस पर मॉडिफायर लगाया उसका साइज़ कितना बड़ा है। और कई बार वो उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं अपनी लाइट का डिस्टेंस जो है वो अपने सब्जेक्ट से कितना रखूं। तो यहाँ पर आपको कई बार देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमेशा ठीक नहीं होता कि लाइट को आप बहुत ही दूर रखें अपने सब्जेक्ट से, तो वहाँ पर कई बार जो है आप ठीक से अपनी लाइट को शेप नहीं कर पाते हैं, लाइट को ठीक से जो है आप फाइन ट्यून नहीं कर पाते हैं, और जिस पर्पज़ के लिए आपने लाइट को दूर रखा है वो पर्पज़ आपका सॉल्व नहीं होता। यह मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले, जहां हमने कोशिश की थी कि जितना हम क्लोज जा सकते हैं अपनी लाइट को लेके, यानी कि अपने लाइट सोर्स को अपने मॉडल के करीब, तो वहाँ मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था जहाँ मैंने सॉफ्ट लाइट को प्रोड्यूस किया था, यानी कि एक लड़की है जिसकी स्किन काफ़ी डस्की है, पर चूंकि मैं लाइट को बहुत ही क्लोज लेकर गया ऑलमोस्ट उसके फेस के पास में, और बहुत ही अच्छे से लाइट जो है वो उस ग्लो के साथ में, यानी कि सॉफ्ट लाइट के साथ में उस मॉडल के फेस पे गई, और जो डस्की मॉडल थी वो बहुत ही बेहतरीन स्किन टेक्सचर के साथ में नज़र आने लगी। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि आपको लाइट की पोजिशनिंग कैसे करनी है, लाइट का जो लाइट सोर्स है उसका साइज क्या है, उस साइज को हम कितना क्लोज लेके जा सकते हैं अपने मॉडल के पास। तो ओवरऑल लाइटिंग की मास्टरी आप तभी कर पाएंगे जब आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने लाइट्स को लेके। तो इसको भी आप अपनी रोज की दिनचर्या में आप जरूर इंक्लूड करें कि आपको प्रैक्टिस काफी करनी है, स्पेशली लाइट सोर्स को देखना उसका साइज क्या है, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट है वो आपको कितना रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों मिस्टेक नंबर 7 की। ये भी बहुत सारे स्पेशली न्यू फोटोग्राफर्स हैं, या हम कह सकते हैं बिगनर फोटोग्राफर्स हैं, वो करते हैं, वो है आपको कई बार पता नहीं चलता कि हाइलाइट्स एंड शेडोज़ की क्या इम्पॉर्टेंस है फोटोग्राफी में। तो यहाँ पर चाहे आप मॉडल शूट कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा कि किस तरह से आपको लाइट को फाइन ट्यून करना है ताकि आप हाइलाइट्स एंड शेडोज़ को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। कई जगह शेडोज़ का नज़र आना ज़रूरी है। अब मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी पहले जहाँ मैंने हार्ड लाइटिंग को यूज़ किया है, तो वहाँ पर हार्ड लाइटिंग का जो टेक्सचर है मॉडल के स्किन पे वो बहुत ही अच्छे से आ रहा है, लेकिन साथ में बैकग्राउंड में जो है वहाँ पर थोड़ी शेडो भी क्रिएट हो रही है,
जिससे ओवरऑल जो पिक्चर है फैशन फोटोग्राफी में वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगता है। इसी तरह से अगर हम जहाँ पे हमको इक्वली डिवाइड करना हाइलाइट्स एंड शेडोज़ को, स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, तो वहाँ पर लाइट को उस तरह से हमको प्लेस करना होता है, चाहे वो हमारी ब्यूटी डिश हो या हमारा ऑक्टा हो या किसी भी और तरह का जो है लाइट मॉडिफायर हो। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी खासी जो शेडोज़ हैं, अच्छी खासी जो हाइलाइट्स है, वो आप बहुत आसानी से क्रिएट कर पाएंगे अपनी फोटोज़ में। मिस्टेक नंबर 8, चूजिंग द रॉन्ग मॉडिफायर। अब मॉडिफायर जो है बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको ब्यूटी डिश आती है, आपको कई अलग अलग साइज़ के ऑक्टा मिल जाएंगे, आपको अलग अलग साइज़ के जो है सॉफ्ट बॉक्सेस मिल जाएंगे, चाहे वो पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स हो या नॉर्मल सॉफ्ट बॉक्स हो। तो यहाँ पर आपको सही लाइट शेपिंग टूल यानी कि सही मॉडिफायर को चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आप क्या सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने मॉडिफायर्स का सिलेक्शन करिए। आपके जो भी लाइट शेपिंग टूल्स हैं वो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं हेडशॉट ले रहा हूँ तो मुझे बहुत बड़े लाइट शेपिंग टूल की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर अगर एक छोटा सा भी एक ब्यूटी डिश भी यूज़ करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, या अगर मैं फुल लेंथ पिक्चर ले रहा हूँ तो वहाँ मैं 5 फीट ऑक्टा यूज़ करूँगा, या मुझे साइड लाइटिंग पे उसको यूज़ करना है, या फ्रंट पे यूज़ करना है, या थोड़ा ऊपर से देना है, या उसको बूम स्टैंड पे लगा के देना है। वो सारी चीज़ें जो हैं आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरा जो भी मेरा लाइट शेपिंग टूल है उसका क्या तो साइज़ है और वो किस सिचुएशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी फ्लैश फोटोग्राफी की, स्टूडियो फोटोग्राफी की, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो इसका सबसे बेटर तरीका ये है कि अगर आप पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो आप देखें कि आपको कितना बड़ा लाइट शेपिंग टूल लगेगा, या अगर आप फुल लेंथ पिक्चर ले रहे हैं तो वहाँ पर आप देखिए किस तरह का शॉट है और पूरा जो जितने भी लाइट मॉडिफायर्स हैं आपको किस तरह से लगाने हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ना केवल आपको सही लाइटिंग गियर्स को यूज़ करना आना चाहिए, सही पावर को यूज़ करना आना चाहिए, बल्कि आप जो भी जिस भी तरह का आप जो लाइट शेपिंग टूल यूज़ कर रहे हैं उसका सही तरह से उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट लाइटिंग, वेदर यू आर शूटिंग आउटडोर्स और इनडोर्स, आपको लाइट पे कमांड करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग फोकस करते हैं अपने कैमरा और अदर गियर्स के ऊपर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गियर है दोस्तों वो होती है आपकी लाइट। चाहे आप फ्लैश यूज़ कर रहे हैं या स्टूडियो स्ट्रोब, यहाँ पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा फोटोग्राफर आप बनेंगे। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, और इस तरह की वीडियोस के आप अगर और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा, मैं और बहुत सारे प्रैक्टिकल वाले वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को करो जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।